राज्य सीताराम श्री हरिदास श्री हरिदास जय कुंज विहारी। जब महाराज जी एक प्रश्न था मेरा कि हमारा सनातन धर्म पहले आया महाराज जी, मगर विश्व में 56 कंट्री मुस्लिम देश है सर महाराज जी, तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्यों पंथ बढ़ते जा रहा है तो हमारा हिंदू देश कम है। बहुत अच्छा प्रश्न। देखो सनातन आदिकाल का है, इसे ना तो कोई मिटा सकता है ना कोई झुका सकता है। अब रही बात की वर्तमान में संख्या की दृष्टि में अन्य पंथों के देश ज्यादा है, सनातन के देश कम है, तो समय चक्र है। जब धर्म की बढ़ोतरी थी, राम जी इस भूमि पर थे, तब एक छत्र राज सनातन का था, अटक से कटक तक समूची भूधरा पर। अभी पूर्व तक ही अटक से कटक तक सनातन देश भारत था, तो जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म संकुचित होता है, धर्म मिटता या झुकता नहीं है ना छिपता है, संकुचित होता है। तो वर्तमान समय में इसके पूर्व में जो अधर्म बढ़ा उसके प्रभाव के कारण जो है ये 56 कंट्रियां आदि कंट्रियां अन्य पंथों की है। लेकिन हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक बता दें, पंथ चाहे जितने हो, हकीकत यह है कि उस पंथ के आराध्य भी रामी जी, चाहे कोई सुगर को शक्कर कहे, कोई चीनी कहे, कोई सुगर कहे, और कोई खांड कहे, पर वो कहलाएगी तो शक्कर ही। उसी प्रकार एक पेड़ में अनेक डालियां होती हैं, चाहे कोई पीछे वाली पकड़ ले, कोई बगल वाली पकड़ ले, अगर चढ़ेगा तो आएगा तो पेड़ पर ही। ऐसे ये पंथ हैं, भले ही इन पर चढ़े आएगा सनातन धर्म में मूल में राम पर। तो ये जो है मन की दुविधा को आपको मिटा देना चाहिए, और ये दुविधा कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं महाराज जी, मेरा वही था कि हमारा इतना धर्म है वो भी अपने ही है, ये भी है ही है, तो वो अब इसमें देखो एक ही सिद्धांत है कि कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की गलती नहीं है, बेटा की गलती। इसमें बेचारा बाप क्या कर ले, अब कोई बेटा अगर बाप को बाप नहीं कह रहा इसमें बाप की क्या गलती है, बाप ने तो पैदा कर दिया है, अब इसमें बेटा की गलती है। बोलो सीताराम।